नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी पटवारी एग्ज़ाम में एमपी जीके से रिलेटेड लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिसमें से हर बार कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उन्हीं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक में से मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप देने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपके 1 से 2 क्वेश्चन श्योर हो जाएँ, 1 से 2 मार्क्स आपके श्योर हो जाएँ। और इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 1 से 2 क्वेश्चन श्योर हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करें, लास्ट तक देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि मैं ऐसी डेली पटवारी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसको मिला मध्य प्रदेश में? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर में स्थित है, ये प्रथम सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको दर्जा मिला है। फिर अगला है, प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ? इंदौर में स्थापित हो, प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर में। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये डिंडोरी में है, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व ये पचमढ़ी में, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का पचमढ़ी में। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट किस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में? प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में। प्रथम आकाशवाणी केंद्र तो ये है इंदौर की, प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में। प्रथम समाचार पत्र जो है एमपी का, वो ग्वालियर अखबार था। प्रथम खेल विद्यालय जो था दोस्तों, वो सीहोर में स्थापित हुआ, मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय स्पोर्ट्स स्कूल सीहोर जिले में, ठीक है। फिर अगला है, प्रथम परमाणु बिजली घर ये चुटका गाँव मंडला में, प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गाँव मंडला में। प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर में, प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर। प्रथम ग्राम न्यायालय ये झांतला नीमच में, ठीक है। प्रथम पर्यटन नगर मध्य प्रदेश का शिवपुरी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने जितने इस वीडियो में शामिल है, तो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पटवारी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल, प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर, प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग इंदौर से भोपाल। प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला जो है दोस्तों, वो खंडवा, प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला खंडवा। प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला ये मंदसौर है, एकमात्र अफीम उत्पादक जिला मंदसौर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में। प्रदेश का रेप्टाइल पार्क ये स्थित है पन्ना में, मध्य प्रदेश का रेप्टाइल पार्क पन्ना में। प्रदेश का पहला मोबाइल थाना यह था दोस्तों देवास थाना, प्रदेश का पहला मोबाइल थाना देवास थाना। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल ये था रीवा में, मध्य प्रदेश में। प्रथम चलित एटीएम में इंदौर में स्थापित हुआ था, प्रथम चलित एटीएम इंदौर में। देश का पहला सोलर पार्क राजगढ़ में। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय सांची जो कि रायसेन में स्थित है, ये देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर जो मध्य प्रदेश में है, इस टॉपिक से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे तो आप एग्जामिनेशन आप लोग देखे ही होंगे। तो नदियों के किनारे कौन सा शहर बसा है देख लेते हैं दोस्तों। जो नर्मदा नदी के किनारे शहर बसे हैं, होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, मंडला, बड़वानी, उज्जैन, सॉरी उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा है। तो नर्मदा नदी किनारे आपको याद रखना है होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, मंडला और बड़वानी, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछ लिया जाता है, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो आपको क्या टिक करना है, छिप्रा, ठीक है, उज्जैन छिप्रा नदी के तट पर बसा है। फिर जो है ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर, बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं देख ले दोस्तों, विदिशा, सांची, ओरछा, गुना। बार बार पूछ लिया जाता है विदिशा किस नदी के किनारे है, बेतवा और सांची, ओरछा और गुना बीच, विदिशा, सांची, ओरछा, गुना, बेतवा नदी के किनारे, ठीक है। चंबल नदी किनारे शहर कौन कौन से बसे हैं दोस्तों, शिवपुर, महू, रतलाम, शिवपुर, महू तथा रतलाम चंबल नदी किनारे बसे हुए हैं। सिंध नदी के तट पर दतिया तथा शिवपुरी, शिवपुरी तथा दतिया सिंध नदी के तट पर। और जो तवा नदी के तट पर पचमढ़ी जो है तवा नदी के तट पर बसा हुआ है। पार्वती नदी राजगढ़, शाजापुर तथा आष्टा, पार्वती नदी के किनारे राजगढ़, शाजापुर तथा आष्टा। बालाघाट जो है दोस्तों, वो बैनगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस टॉपिक से अभी क्वेश्चन पूछा गया था कल के एग्जाम में, बालाघाट किस नदी के तट पर है, तो बेनगंगा। शिवना जो है ये मंदसौर, शिवना। काली सिंध नदी के तट पर देवास तथा सोनकच्छ बसे हुए शहर, ठीक है, काली सिंध। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे रेगुलर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ डेली।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी हैं, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए फटाफट। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा, और किस टॉपिक वीडियो बनाना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।